सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर को लेकर। अडानी पावर को लेकर हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बोला था, जब ये स्टॉक 530 रुपये के आसपास था, वहां से बोला था कि स्टॉक में अब बड़ा मौका है भाई, और ये मौके बार बार नहीं आएंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा अभी जब खबरें सामने निकल कर आती है, अच्छी खबरें आएंगे सामने, तो वहां से तेजी नहीं बने तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। 19,400 करोड़ के आसपास की एक बड़ी अपडेट आई थी, कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प मिली। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक है मुकेश अंबानी, जो हमेशा कंपटीटर के रूप में रहे हैं अडानी ग्रुप के, ठीक है, जो गौतम अडानी है, दोनों के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन आपको पता ही है। लेकिन एकदम से एक साथ दोनों आएंगे ये किसी ने कभी सोचा नहीं था, और जैसे ही एक साथ आए हैं आप लोग देखोगे अडानी पावर में एक अलग ही चमक आ गई है भाई, ठीक है। आप लोग देख सकते हो अडानी पावर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी 3-4% करीब भागा था, और आज आपको सर्किट ही लगाते हुए नजर आया अभी। जी हाँ, 5% का सर्किट स्टॉक में लगा है। तो चलिए जानते हैं आगे के कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह। 5 दिन में लगभग 7-8% के रिटर्न दिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक जब था भाई नीचे में, तो वहां से आपको क्लियर बोला था कि अब मौके आ गए हैं भाई, ठीक है। लगभग 9% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं भाई 27 तारीख से लेकर, यानी 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन और अब की बार। और वहीं आप लोग पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने में 52 से 53% की रिटर्न दिया है। 1 साल में आप लोग देखोगे 194 लगभग 200% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न निकाल कर दिए हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, जो तहस नहस हुआ था आपने देखा होगा। अभी 200 के नीचे में 132 के आसपास आया था स्टॉक, फिर वहां से जो रिकवरी बनी है वो जबरदस्त है। मैक्सिमम में आप लोग देखोगे स्टॉक में जो ना अभी 443% के रिटर्न दिए, और यहाँ पर आपने देखा होगा ये वो दिन था जब हिडनबर्ग ने यहाँ पर तगड़ा प्रहार किया था, और अब हिडनबर्ग के आरोपों से जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त रैली, और हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद स्टॉक में जब तेजी बने ना फरवरी 2023 से, ठीक, और अप्रैल 2024 के बीच तक 282% के रिटर्न, बहुत जबरदस्त रिटर्न। और यहाँ पर पैसा किसने बनाया आपको पता ही होगा, जी क्यू जी पार्टनर्स के जो अध्यक्ष हैं राजीव जैन जी, उन्होंने जमकर पैसा लगा था अडानी ग्रुप के अंदर गिरावट में, ठीक है, उन्होंने पैसा छापा भाई, यहाँ पर जमकर पैसा बनाया है, चाहे वो अडानी पावर हो, अडानी पावर की सभी कंपनियों में उनकी होल्डिंग है लगभग लगभग। तो चलिए भी आप देख लेते हैं अडानी पावर के रिगार्डिंग क्या खबर है। आपको पता होगा भाई जो मुकेश अंबानी जी है, दोनों एक दूसरे कंपटीटर है, लेकिन अभी टाइम एक बड़ी अपडेट आई है कि अडानी ग्रुप की जो कंपनी अडानी पावर है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है महान एनर्जीज करके, ठीक है, उसके साथ एक बड़ी डील हुई अभी अडानी मुकेश अंबानी जी की। उन्होंने डील क्या किया है, 600 मेगावाट का एक पावर प्लांट है अभी इसका, उसी से रिलेटेड ये डील हुई है, और ये जो डील है 50 करोड़ में हुई है, ठीक है, 50 करोड़ की डील है। और इसके अंदर क्या होगा, जो पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया, या फिर आप लोग देखोगे 26% का जो स्टेक है इस कंपनी का वो मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके पास है भाई, ठीक है। और बहुत से निवेशकों का कमेंट है कि अडानी पावर के अंदर 26% का स्टेक एक्वायर कर लिया है, तो अडानी पावर के अंदर नहीं किया भाई, अडानी पावर की सब्सिडी कंपनी है महान एनर्जीज करके, उसके अंदर 26% का स्टेक लिया है, समझे, 50 करोड़ में, न कि अडानी पावर के अंदर। तो चलिए, ये बहुत से निवेशकों के जो अभी कमेंट थे कि भी किसके अंदर अडानी पावर में इतना बड़ा स्टेक लिया है, क्या अडानी पावर में नहीं है भाई, अडानी पावर की सब्सिडी कंपनी है महान एनर्जी करके, उसमें क्या 50 करोड़ में अडानी पावर का 26% स्टेक आएगा, आप भी समझदार हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक में जबरदस्त रिकवरी हमें देखने को मिली है, ट्रेंड लाइन के ऊपर में आया, अभी आपको बोला था अभी 499 यानी 500 रुपये के आसपास का सपोर्ट, अभी जब ये स्टॉक 433 के आसपास था ना, वहाँ पर आपको क्लियर बोला था कि भी देखो मौके हैं, और मौके बार बार हाथ में नहीं आएंगे, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ से जिसने भी मौके का फ़ायदा उठाया है, काफ़ी अच्छी बात। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 545 का ब्रेकआउट लेवल था, स्टॉक ने ब्रेक किया और ऊपर में सस्टेन किया है, अगला जो टारगेट है 578 का, ये ब्रेक होकर सस्टेन कर गया, तो 700 रुपये के जो टारगेट रहने वाले हैं अगले 3 से 6 महीने के बीच में वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अब गर्मियों के मौसम में वैसे भी पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, जो ये स्टॉक टूटा ऊपर से बड़ा मौका था, और ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। अभी 499 का नीचे में सपोर्ट, सेकंड 450 के आसपास का 2 सपोर्ट थे, और टारगेट ऊपर में 700 प्लस के हैं। तो यहाँ से स्टॉक वेंजुरा ने भी 700 रुपये के टारगेट दिए हैं,
तो 700 प्लस के मूव अगले 3 से 6 महीने में हमें स्टॉक ये यहाँ से दिखाते हुए नजर आएगा। अभी मौके हैं, अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए चलोगे तो बेनिफिट है। अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग करोगे भी हाँ हफ्ते में जो ना अभी यहाँ से मैं 50% ले लूँगा, 30% ले लूँगा, लगातार सर्किट लगेंगे, तो वो आपका वहम, आपसे पहले भी इसकी जर्नी है, ठीक है, कंपनी की आपसे पहले भी जर्नी है। ऐसा ही कि आपने जहाँ पर पैसा लगाया बस उसका जो लाइफ है वो वहीं से स्टार्ट हुई है, नहीं, उससे पहले भी बहुत से नीचे से स्टॉक उठ के आए हैं, तो वो भी तो ऊपर में प्रॉफिट के लिए आएंगे, ठीक है। आप लोगों को जो स्टॉक जो शेयर मिल रहे हैं वो प्रॉफिट लेने वाले ही है, ठीक है, यानी कोई किसी को प्रॉफिट हो वो बेच रहे हैं, आप लोग वहाँ पर खरीदारी कर रहे हो, तो बस यही है। ज़्यादा जो ना भी ऐसी थिंकिंग मत रखा करो कि बस हमने जहाँ से खरीदा है बस वहीं से स्टॉक चलेगा, नहीं, वहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे में आपको एवरेज करने का या थोड़ा बहुत और ऐड करने का मौका दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए बोलते भी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओ, ठीक है, ख़राब कंपनियों के एक तरफ रखो, चाहे अच्छी कंपनियाँ स्टॉक महंगा हो या सस्ता हो, यानी कि प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ भाई, वैल्यूएशन के हिसाब से तो आपको सस्ता ही लेना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।